किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में खट्टर सरकार संकट में है। किसान सरकार के मंत्रियों का ताबड़तोड़ विरोध कर रहे हैं। किसानों ने आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दौरा ही रद्द करवा दिया। ताबड़तोड़ किसानों का फावड़ा चल रहा है और विरोध में सियासत की जमीन उखाड़ी जा रही है। वो जमीन जहां हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर उतरना था। हेलीपैड पर वार करते करते फावड़े रुके तो काले झंडों के डंडों से ही जमीन को खोदा जाने लगा और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। ये तस्वीरें हरियाणा के जिंद से आई हैं। यहाँ कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ इस तरह मोर्चा खोला। जिंद के उचाना में दुष्यंत का हेलीकॉप्टर उतरना ही था, लेकिन किसान पहले ही झंडे फावड़े लेकर पहुंच गए। विरोध के बाद यहां दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द करना पड़ा। बाद में दुष्यंत चौटाला मीडिया के सामने आए और किसानों को समझाने की कोशिश की। मैं किसानों के विरोध में नहीं हूं, मैं किसानों के समर्थन में हूं। ये जो स्थिति बनी है ये तभी खत्म होगी जब किसान चर्चा करेंगे। सरकार तैयार है लेकिन किसान बात नहीं कर रहे। कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों का गुस्सा आज दुष्यंत चौटाला पर फूटा है तो दो दिन पहले अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी इस तरह काले झंडों का सामना करना पड़ा। हमने तो सबको अपील भी की है, मैंने निवेदन केंद्र सरकार के नेताओं से भी किया है कि कहीं कोई आपस में अगर किसी बातचीत का कोई किसी प्रकार का बना हुआ रुकावट बनी है तो उसको हटा करके हमको किसान नेताओं से, या चाहे वो स्वार्थ के नाते से, चाहे पॉलिटिकल लीडर के भी कुछ लोग हैं, उनको भी तर्क संगत बात करके और बात करनी चाहिए। वैसे तो किसानों का ये प्रदर्शन कृषि कानून के खिलाफ है, लेकिन हरियाणा में जल्द ही निकाय चुनाव भी होने हैं और इसमें खट्टर सरकार की मुश्किल ये है कि किसानों के समर्थन में अब खाप भी उतर आए हैं और उससे बीजेपी और INLD की परेशानी बढ़ गई है। रोहतक में किसानों के लिए खाप जुटे और यहां युवाओं को किसानों के समर्थन में आंदोलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि सरकार पर दबाव बने। इसमें किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए हरेक खाप का वहाँ पर धरने पर धरना सुनिश्चित करने के लिए और युवाओं को वहाँ वॉलंटियर की भूमिका में परिवर्तित करने के लिए आज इस चबूतरे पर फैसला किया गया है। और जितनी भी आगे के जो आंदोलन या जो कार्रवाई या जो धरने, जुलूस, टोल फ्री करना, जो भी हमारा राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त मोर्चा जो आदेश देगा, आज सारी खापों के युवा साथी यहाँ पर प्रण लेके गए हैं कि उस फैसले पर हम अमल करेंगे और पूरी तरह उनके साथ चलेंगे। हरियाणा में बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP के गठबंधन की सरकार है। किसान के साथ खाप और जाट मांग कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला BJP का साथ छोड़ें और इस्तीफा देकर किसानों के साथ आ जाएं। अगर दबाव में दुष्यंत ने गठबंधन तोड़ा तो हरियाणा में BJP की सरकार गिर सकती है। ABP News आपको रखे आगे।